हाउ आर यू बेटा? सिमरन गुड आफ्टरनून बेटा, साक्षी गुड आफ्टरनून, प्रशांत गुड आफ्टरनून, मोनिका, अंजलि, कोमल, शुभम, लोकेश, उदित, दक्ष, गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटा। हैप्पी कारगिल डे बेटा, आप सभी को भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। एक विषम परिस्थितियों में बेटा जीत जीत मायने नहीं होती, एक विषम परिस्थितियां हैं बेटा, उनमें भारतीय सैनिकों के शौर्य बलिदान को सम्मान, सल्यूट, और आप सभी को कारगिल दिवस की बधाई। चलो बेटा, विजिबल होइए, जल्दी से क्लास से जुड़िए बेटा, विजिबल होइए, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बेटा, आज अपन देखते हैं बेटा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, ठीक है, और सिंपल ही क्वेश्चन नहीं आता बेटा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है इसको देखना बेटा। माइका अभ्रक है बेटा, अभ्रक से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन होता क्वेश्चन देखो बेटा, वाई माइका इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बेटा। वाई माइका इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अभ्रक बेटा विद्युत उद्योगों में, अभ्रक विद्युत उद्योगों में क्यों महत्वपूर्ण है? अभ्रक विद्युत उद्योगों में क्यों महत्वपूर्ण है? वाई आर माइका इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बेटा, विद्युत उद्योगों में अभ्रक क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर देखो बेटा, ड्यू टू इट्स कॉस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटा। लो पावर लेस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, एंड
रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। बेटा देखो बेटा, जो आपके माइका है ये मजबूत होता है। सबसे पहली जो बात होती है बेटा कि जो अबरक होता है बेटा वो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, मजबूत होता है। नंबर दो बेटा, विद्युत रोधी होता है, इसमें से करंट सप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए बेटा ये क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, इसमें से करंट सप्लाई नहीं होती। दो विशेषताएं होंगी बेटा, मजबूत होता है पहली विशेषता, दूसरी जो बेटा इसकी विशेषता है विद्युत रोधी होता है, यानी इसमें से बेटा करंट सप्लाई नहीं होती। तीसरी बेटा के उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता होती है, उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता होती है, तीसरी विशेषता होगी बेटा। इन सभी कारणों से बेटा इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक बेटा, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हीं विशेषताओं के कारण माइका को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे बेटा आपके प्रेस होती है, आयरन देखा ना आपने घरों में जो अपन प्रेस करते हैं, ठीक बेटा, उसमें जो एलिमेंट होता है अपने गांव की भाषा में बोलते हैं उसको पत्ता, ठीक है, कभी आप रिपेयर कराओ तो मैकेनिक भी कहता है कि इसका पत्ता खराब हो गया भाई, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एलिमेंट। उस एलिमेंट के अपर साइड और डाउन साइड बेटा दोनों तरफ अबरक की एक परत होती है, और अबरक के बिल्कुल बारीक परत होती है जिसमें से अपन अंदर के वायर्स को भी एज इजीली देख सकते हैं, ठीक है, फिर भी बेटा वो 750 वाट तक को सहन कर सकता है, फिर भी बेटा वो 750 वाट तक की हीट को क्या कर सकता है बेटा, वो सहन कर सकता है, 750 वोल्टेज की हीट पर भी वो जलेगा नहीं, ठीक है बेटा, इतनी हीट को वो कवर कर जाता है। ये विशेषता बेटा और मेटल्स में नहीं है, अगर वो पत्ते के ऊपर नीचे अबरक नहीं हो तो आपकी जो बॉडी है आयरन की वो इतनी हीट हो जाएगी बेटा आप कवर ही नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो अबरक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, पहली विशेषता बेटा मजबूत होता है, दूसरी विशेषता बेटा अबरक की विद्युत रोधी होता है, तीसरी उच्च तापमान को सहन करने की शक्ति होती है। इन तीन विशेषताओं के कारण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही इंडस्ट्रीज में बेटा अबरक का बहुत योगदान माना जाता है, या इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? बेटा मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट आप कैसे लिखते हो वो देख लेना बेटा, राइट बेटा।
अभी मान लो बेटा इसी क्वेश्चन को वो घुमा देता है, एग्जामिनर क्या होता है बेटा, उसे पता है कि भाई अपन ने ये पहले एग्जाम में पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, अभी अपने को वापस पूछना है, तो सेम लैंग्वेज भी नहीं पूछता, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। यहां पे क्या पूछ लेगा बेटा, व्हाट्स आर स्पेसिफिक ऑफ माइका, व्हाट्स आर स्पेसिफिक ऑफ माइका बेटा, तीन ही हो जाएंगे बेटा, जो आपके तीन हैं, डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगी बेटा, ठीक है, पावरलेस फैक्टर हो जाएगा, रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज हो जाएगी, ये तीन विशेषताएं बेटा हो जाएंगी। आंसर वही रहना है, खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होनी है, ठीक बेटा, आंसर वही रहना है, खाली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ओके ओके बेटा, राइट एवरीवन, ओके बेटा, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी रिसोर्सेज बेटा, एनर्जी रिसोर्सेज ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन बेटा, विच रिसोर्सेज या मिनरल्स बेटा, विच रिसोर्सेज या मिनरल्स, प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी, हीट एंड एनर्जी बेटा, इज नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज या बेटा मिनरल, ऐसे कोई भी बेटा मिनरल्स या रिसोर्सेज बेटा, कोई भी संसाधन या कोई भी खनिज, ठीक है बेटा, अगर आपसे रिसोर्सेज पूछ ले कि व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेज, आंसर में आपको रिसोर्सेज लिखना है, मिनरल पूछ ले कि व्हाट इज एनर्जी मिनरल्स, आंसर में बेटा आपको रिसोर्सेज हटा देना, क्या करना है, मिनरल करना है, चेंजेस और कुछ नहीं बेटा। विच रिसोर्सेज और मिनरल बेटा, प्रोवाइड अस, ऐसे कोई भी संसाधन या खनिज जिनसे हमें बेटा हीट मिलती है, ताप मिलता है और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन्हें बेटा एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स कहा जाता है, उन खनिजों को, उन संसाधनों को बेटा जिनसे हमें हीट मिलती है, जिनसे हमें ताप मिलता है, उन्हें बेटा ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिज कहते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर, एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज
वन है बेटा आपके, कन्वेंशनल और सेकंड है बेटा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स होता है परंपरागत और ये होता है बेटा गैर परंपरागत। नॉन कन्वेंशनल होता है बेटा। अंकित यादव फॉर एग्जाम्पल सन, नो बेटा ठीक है, सन आप रिसोर्सेज में दे सकते हैं, मिनरल्स में नहीं दे सकते ठीक है। एग्जाम्पल में बेटा आप सन को मिनरल्स में नहीं दे सकते, रिसोर्सेज में तो दे सकते हो ठीक है। मिनरल्स में आप यूरेनियम दे सकते हैं, थोरियम दे सकते हैं ठीक है, कोल दे सकते हैं, पेट्रोल दे सकते हैं, डीजल दे सकते हैं, नेचुरल गैस दे सकते हैं, इनको दे सकते हो बेटा, ये दोनों में आ जाएंगे, ये बेटा दोनों में आ जाएंगे। सन स्पेशली मत ले क्या हो भाई, ऐसे तो आपकी पवन ऊर्जा से भी गाड़ियाँ चलती हैं, एनर्जी मिलती है ठीक है। ध्यान दे बेटा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी मिनरल्स है बेटा, इनको हम दो वर्गों में, दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कन्वेंशनल मीन्स होता है परंपरागत, ऐसे मिनरल्स या ऊर्जा के संसाधन जिन्हें प्राचीन काल से ठीक है, जिन्हें प्राचीन काल से बेटा अपने जो फर्स्ट जनरेशन है, अपने से पहले आपके ग्रैंडफादर या उनसे भी ग्रैंड पेरेंट्स है बेटा, उस समय से जिनको अपन काम में ले रहे हैं, जैसे कोयला अपन काम में ले रहे हैं बेटा ठीक है, हजारों साल से काम में ले रहे हैं, डीजल पेट्रोल बेटा अपन सैकड़ों हजारों सालों से काम में लेते चले आ रहे हैं, तो ये तो कैसे हो बेटा कन्वेंशनल हो गए, ये क्या हो गए बेटा कन्वेंशनल हो गए। और नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं बेटा, जिनका यूज मानव ने भी हाल ही के कुछ वर्षों में स्टार्ट किया है, जैसे आपके यूरेनियम थोरेनियम है, सेकंड विश्व युद्ध से पहले किसी को पता ही नहीं था कि भाई परमाणु हथियार भी हैं किसी के पास ठीक है बेटा, पूरा विश्व आराम से तलवार तोप बंदूकों से लड़ रहा था, बढ़िया युद्ध चल रहा था, लोगों का अच्छा टाइम पास हो रहा था, अमेरिका ने ऐसा किया कि दो दिन में विश्व युद्ध ही खत्म ठीक है बेटा। उससे पहले तक बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक किसी को नहीं पता था कि यूरेनियम थोरेनियम जैसे भी कोई हथियार हैं जिसको आप परमाणु बम बोलते हो ठीक है बेटा। तो ऐसे कौन से आएंगे बेटा, नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे, इनका यूज बेटा भी हुआ है और बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। आज भी दुनिया में अगर आप टिप्स पे लोगे तो केवल दुनिया के कुछ देश हैं जिनके पास खुद के परमाणु हथियार हैं ठीक है बेटा, टिप्स पे हैं बेटा, वो चुनिंदा देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं, जिनमें अपना परम मित्र पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, भारत है ठीक बेटा, ये परमाणु संपन्न है, आपके उत्तरी कोरिया है और पाकिस्तान तो बेटा स्पेस लिए, उसने तो बम भी ऐसे बना रखे हैं जो केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं कहेगा, पहले पूछेगा भाई हिंदू है कि मुसलमान, मुसलमान ठीक है तू जा, हिंदू है तो तू मर जा ठीक है बेटा। मैं नहीं कह रहा बेटा, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है, उसके स्टेटमेंट है, चलो आप भी हंस लो मैं भी हंस लेता हूँ ऐसे बयानों पे। दोनों समझ में आ गए बेटा, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल समझ में आ गए बेटा। कन्वेंशनल जिनको हम प्राकृतिक या प्राचीन समय से जिन्हें हम काम में ले रहे हैं ठीक है, आपके बेटा ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स, या अपन कहें कि उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स से सैकड़ों हजारों सालों से जिनको हम काम में लेते चले आ रहे हैं, वो हो गए बेटा कन्वेंशनल। इनको आप ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो ठीक है, कन्वेंशनल को बेटा आप ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, अगर एग्जाम में वर्ड चेंज कर दे तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा कि सर ने तो कन्वेंशनल पढ़ाया था, ट्रेडिशनल आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आ गया ठीक है, फिर आप सारे के सारे क्या है दोषारोपण अपने अपने अध्यापकों पे कर देते हो कि पढ़ाया नहीं, नोट्स चेक कर लो सर ठीक है बेटा। दोनों समझ में आ गए, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बेटा, ओके राइट एवरीवन।
राइट एवरीवन बेटा। टाइप्स ऑफ कॉल, टाइप्स ऑफ कॉल बेटा। कोयले के प्रकार, कोयले के प्रकार बेटा। कोयले में भी देखो बेटा डिफरेंस होता है। जैसे अपने अगर आपके ध्यान हो, अपने टाइप्स ऑफ आयरन पढ़ा था ना बेटा, लोहे के प्रकार, और उसका जो क्लासिफिकेशन था वो था अमाउंट ऑफ आयरन, लोहे की मात्रा के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन था। यहाँ पे जो बेटा कोयले का क्लासिफिकेशन होता है अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। ध्यान देना बेटा, अमाउंट ऑफ कार्बन के किस कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी है, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा उसकी कुछ स्पेसिफिक्स हैं, उसकी विशेषताएं भी चेंज हो जाती हैं। कार्बन की मात्रा तो चेंज होनी होनी है, ठीक है। उसके अलावा बेटा उसमें और कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं भाई, जो सबसे बेटर है उसमें कौन कौन सी विशेष चीज़ें होंगी, जो बेटा सबसे हल्का है उसमें कौन सी चीज़ें होंगी, इनके यूज भी चेंज हो जाएंगे, इनके यूज भी चेंज हो जाएंगे। इसीलिए बेटा अपन एक एक टाइप्स को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक बेटा। एक एक टाइप्स को बेटा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। नाम चारों के सीरियल से आपके ध्यान होने चाहिए, चार टाइप्स है बेटा, चारों के नाम तो आपको सीरियल से ध्यान होने होने चाहिए, क्योंकि दो नंबर में कई बार खाली नाम ही पूछ लेता है, ठीक है। दो नंबर में क्या होता है बेटा, कई बार खाली नाम ही पूछ लेता है। फर्स्ट है बेटा एंथ्रेसाइट। पहला जो बेटा टाइप है कोयल का, कोयले का जो बेटा पहला प्रकार होता है वो होता है बेटा एंथ्रेसाइट। इसकी विशेषताएं भी देख लो बेटा, दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉल, दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉल बेटा, कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार होते हैं। हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, इट इज हार्ड ब्रिटल ब्लैक एंड लस्ट्रियस, 1, 2, 3 and 4। यूज बेटा स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन बेटा सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है बेटा, कोल कौन सा होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी
क्वालिटी होती है बेटा एंथ्रेसाइट, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे बढ़िया ये होता है, हाईएस्ट बेटा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। ध्यान रख रहे कार्बन की मात्रा के चक्कर में मत पड़ना बेटा, कि इसमें 78 होता है, इसमें 60-70 होता है, इसमें 50-70 होता है, इसमें अंडर 50 होता है, उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर एंथ्रेसाइट के बिटुमिन्स में जाएगी, बिटुमिन्स की लिग्नाइट में जाएगी। इसलिए केवल इतना ध्यान रखें कि सबसे बढ़िया जो कोयला है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा है। ठीक है बेटा, केवल इतना ध्यान दें, और आपसे उसकी अमाउंट ऑफ कार्बन पूछता भी नहीं है एग्जाम बेटा, कभी पूछता भी नहीं है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन है बेटा, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्लैक होता है, लस्ट्रियस होता है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को पिघलाने में, जो आपके बेटा लोहा होता है उसको जब शुद्ध किया जाता है, आयरन ओरे को जब बेटा शुद्ध किया जाता है उसमें बेटा इस कोयले का यूज किया जाता है। ठीक है, आपके जब कोयले सॉरी लोहे का जब प्रगलन होता है, स्मेल्टिंग प्रगलन होता है, जब उसे बेटा पिघला करके शुद्ध किया जाता है उस समय बेटा इस कोयले का यूज होता है। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर? हिंदी में भी समझा दो इसकी विशेषताएं, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइड में। ठीक है, जलने पे धुआं कम देता है, उष्मा ज़्यादा देता है। ठीक है, नीली लौ के साथ जलता है, राख कम देता है, इसलिए आँखों को कम नुकसान पहुँचाता है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बढ़िया कोयला यही है, अगर खाना पकाना है तो। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, मत बता देना पेरेंट्स को, नहीं तो शाम को गृह युद्ध हो जाएगा, मम्मी कह देगी कि एंथ्रेसाइट चाहिए, पिताजी के समस्या हो जाएगी, लेके कहाँ से आए, ये तो इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। ठीक है ना बेटा, ओके बेटा, राइट एवरीवन। सेकंड बेटा आपके बिटुमिनियस, बिटुमिनियस है बेटा, कई जगह आपको बिटुमिनियस नहीं मिलता है, खाली शॉर्ट नेम मिल जाता है बिटुमिनी। ठीक है, दोनों सेम है बेटा। ठीक है, बिटुमिनियस बोल दो चाहे बिटुमिनी बोल दो, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली बोलने का तरीका अलग है बेटा। यहाँ पे बिटुमिनियस है, कुछ बुक्स में आपको बिटुमिनी भी मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिटुमिनी या बिटुमिनियस एक ही बात है बेटा। इसकी भी विशेषताएं देख बेटा, इट इज ए मीडियम टाइप ऑफ कॉल, यह बेटा मध्यम साइज वाला है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, ठीक है, बहुत हल्का भी नहीं है, मीडियम टाइप का बेटा। इट हैव लिस्ट कार्बन कंटेंट बेटा, इट हैव हाई हीटिंग कैपेसिटी यूज ऑफ कमर्शियल पर्पज।
कमर्शियल पर्पज बेटा। इट इज मीडियम टाइप ऑफ कोल बेटा, मध्यम आकार के या मध्यम प्रकार का कोयला है। सबसे बढ़िया नहीं है, एकदम हल्का भी नहीं है बेटा, ठीक है। एंथ्रेसाइट से कार्बन की मात्रा कम होती है, थर्ड फोर्थ से बेटा कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। विशेषताएं वही है बेटा जो आपके एंथ्रेसाइट में थी, जलने पे हीट ज़्यादा देता है, नीली लौ के साथ जलता है, राख कम देता है, ठीक है। इसमें बेटा जो कार्बन होती है उसकी मात्रा कम होती है कंपेयर एंथ्रेसाइट, ठीक बेटा। कंपेयर बेटा एंथ्रेसाइट से अगर अपन तुलना करें तो इसमें कार्बन की मात्रा कम होगी, हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है, उच्च ताप देने की क्षमता होती है बेटा, और इसका यूज होता है कमर्शियल पर्पज। इसका जो यूज होता है बेटा कमर्शियल पर्पज, व्यापारिक उद्देश्यों में, ठीक है, व्यापारिक उद्देश्यों में। जैसे आपके सीमेंट बनती है, ठीक है बेटा, सीमेंट में रॉ मटेरियल में काम आता है, ठीक है बेटा, सीमेंट में बेटा रॉ मटेरियल में काम आता है, ओके। और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, आपके मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, कुछ दवाओं में भी बेटा इसका यूज किया जाता है। क्लियर एवरीवन बेटा, एनी डाउट? ओके बेटा, थर्ड है बेटा लिग्नाइट। तीसरा बेटा आपके लिग्नाइट। इट इज थर्ड टाइप ऑफ कोल। इट हैव लीस्ट कार्बन अमाउंट। इट फाउंड इन राजस्थान, तमिलनाडु। आप कंप्लीट लिख लेना बेटा, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। लिग्नाइट में बेटा इट फाउंड इनको डबल टिक कीजिए, वीआईपी कीजिए, वेरी मस्ट कीजिए, ठीक है। यहां से यही क्वेश्चन पूछा गया है आज तक बेटा, दो बार पूछा जा चुका है, लिग्नाइट कोयला भारत में कहां कहां पाया जाता है। एक बार ऐसे पूछा है, एक बार पूछा है कि राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, दोनों बार बेटा क्वेश्चन यहीं से पूछा है, ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ मिलता है बेटा, राजस्थान में मिलता है बाड़मेर, ठीक है, आपके तमिलनाडु, कालाकोट, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कालाकोट बेटा जम्मू कश्मीर। क्लियर है एवरीवन बेटा, कौन से प्रकार का कोयला बेटा, ये थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप है। कार्बन है बेटा, उसकी मात्रा कंपेयर एंथ्रेसाइट और बिटुमिन के कम होती चली जाएगी बेटा। फाउंड कहाँ है बेटा, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। यूज भी देख लो बेटा इसका, इलेक्ट्रिक सिटी,
जनरेशन, इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन बेटा। विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में बेटा लिग्नाइट कोयले को यूज किया जाता है। विद्युत उत्पादन में लिग्नाइट कोयले को यूज किया जाता है। जलने पे धुआं अधिक देता है, उष्मा कम देता है, राख कम देता है, कार्बन की मात्रा कम होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए आँखों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन में कौन सा आपके कोल काम आता है बेटा? इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन में काम आता है आपके लिग्नाइट। इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन में कौन सा आता है बेटा आपके? लिग्नाइट काम आता है, ध्यान रखना। बता सकते हो बेटा कोयले से बनने वाली, कोयले से बनने वाली जो विद्युत होती है बेटा उसे क्या कहते हो? कोयले से जो विद्युत बनाई जाती है उस विद्युत को हम क्या कहते हैं? नहीं पता बेटा? थर्मल पावर, तापीय विद्युत या थर्मल पावर बेटा। ठीक है, थर्मल पावर या तापीय विद्युत कहलाती है वह विद्युत जो बनती है किससे? कोयले से। पीट, लोवेस्ट टाइप ऑफ कॉल, इट हैव नो माइनिंग। सबसे हल्का जो कोयला होता है बेटा वो होता है आपके पीट होता है, और इसका खनन नहीं किया जाता। सरकार को पता चल जाए कि पिटाकुटा पीट कोयला है, नहीं निकालती फिर, क्योंकि इसमें बेटा कार्बन बहुत कम होता है। ठीक है, कार्बन बहुत कम होता है इसलिए इसका यूज भी बहुत कम है, गवर्नमेंट निकालती नहीं है। ठीक है बेटा, चारों प्रकार समझ में आ गए अच्छे से? आ गए बेटा? ओके, तो बेटा आज की क्लास को करते हैं बंद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। ठीक है, होएगा वहाँ पे पीडीएफ कंप्लीट।